to our vlog. Hello guys. Hi दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे नए vlog में. और आज है संडे, तो आज हमारा vlog लेट से बन रहा है. और हम vlog स्टार्ट कर रहे हैं गाड़ी में. आरुष, हम कहाँ जा रहे हैं? मसूरी में. किधर बेटा? नॉट धनौल्टी. अर्जुन, हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ तक पहुँचे, कैंपटी फॉल. कैंपटी फॉल. तो हम बचपन से, मैं देहरादून में रही हूँ, बट आई हैव नेवर बीन टू कैंपटी फॉल. मसूरी में बहुत बार जा चुकी हूँ और बाकी जगह भी मैं बहुत बार जा चुकी हूँ, बट मैं कैंपटी फॉल कभी नहीं गई. तो आज हम जा रहे हैं कैंपटी फॉल. सो सुबह हमने सारा घर का काम निपटाया है सबने, तीनों ने मिलके. और आज हम जा रहे हैं खुमी. आपको दिखाएंगे रास्ते में बाकी सारी चीजें. देहरादून की फेमस राजपुर रोड इतनी सुंदर है, आप देख सकते हैं, फुल ऑफ ग्रीनरी. और ऊपर से ये रोमांटिक सॉन्ग्स, आई जस्ट लव दिस. आरुष, आप पहुंच गए क्या धनौल्टी? नहीं, ये धनौल्टी नहीं है, ये अभी रास्ते में. वो देखो देहरादून दिख रहा है, वो क्या है आरुष? आप वहाँ आप वहाँ रहते हैं? वेलकम. रास्ता काटने के लिए मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ. तो आपको लग रहा होगा ये संडे को घूमने क्यों जा रहे हैं, तो एक्चुअली कल मेरे हस्बैंड और मेरी थोड़ी सी छोटी मोटी सी बहस हो गई थी, और उस चक्कर में हमने बात नहीं करी पूरे दिन. तो फिर मैं बहुत सेंटी सेंटी गाने गा रही थी. तो कल रात को फिर मैंने गाना रिकॉर्ड करके अपने हस्बैंड को भेजा व्हाट्सएप में सोने से पहले, और रात को उन्होंने वो गाना सुना दो तीन बार, और फिर सुबह हमारा पैचअप हो गया. तो फिर मैं आपको बताती हूँ उसकी दो लाइनें, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ क्या वो गाना था, और मैंने वो अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके जैसे तैसे अपने हस्बैंड को भेज दिया. ओके, तो आप सुनिए. आई एम नॉट अ सिंगर, तो डोंट जज. जस्ट ऐसे ही गाया था हस्बैंड को पटाने के लिए. सो हियर्स द सॉन्ग. मुझे तुम नजर से गिरा तो रहेगे हो, मेरे प्यार को तुम भुला ना सकोगे. न जाने मुझे क्यों ये यकीन हो चला. मैंने गाना गाया और अपने हस्बैंड को सुनाया, और मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि तुम ये सब मत डालो यूट्यूब में, कैरी मिनाटी तुम्हारे में रोस्ट करेगा. सो मैं तो बहुत ही खुश हो जाऊंगा कि कैरी मिनाटी मेरे ऊपर रोस्ट करेगा. तो देखो देहरादून दिख रहे हैं. मैं भी आपको कल रात को पहले बताऊं मेरा सॉन्ग कैसा लगा जो मैंने भेजा था. अच्छा था भैया, आंसू आ गए थे. तो फिर तभी आपने मुझसे पैचअप किया आज? पैचअप तो करना ही पड़ता है एक दिन के बाद.
हेलो गाइस, सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मसूरी के आसपास और यहां पर देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छे पेड़ पौधे हैं और हवा इतनी अच्छी चल रही है यहां पर कि लग रहा है किसी जन्नत में आ गए हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे वैली है यहां पर काफ़ी बड़ी। मैं आपको 360 व्यू दिखा रहा हूँ यहाँ पर का, काफ़ी अच्छा व्यू है। आरुष और आरुष की मम्मी भी गाड़ी से उतर चुके हैं और आरुष ने अपनी नींद कंप्लीट कर ली है। आरुष, आरु बेटा देखो इधर, वो अभी सोर के उठा रहे हैं ना दोस्त को। अच्छा अच्छा, फाइनली ये वैली मुझे काफ़ी सुंदर लगती है। ये एक शॉर्टकट रास्ता है कैंपटी फॉल जाने का। हम लोग मेन मसूरी में नहीं जा रहे हैं, हमने मसूरी को बाईपास किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी जिगजैग वाली रोड है पूरा। वैसे तो यहाँ पर धूप है बट फिर भी काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ देखिए और ये पेड़। आ गए घूम के। दोस्त फाइनली हम पहुंच चुके हैं, 2 बज गए हैं और अभी हम पहले लंच करेंगे फिर जाएंगे हम। और नीचे जो आपको फॉल दिख रहा है वही फॉल है, बहुत देर बाद। सो दोस्तों हमने लंच कर लिया है और हम जा रहे हैं। देखो कितना अच्छा मार्केट है यहाँ पर, छोटा सा ही मार्केट है, मुश्किल से 100 मीटर का मार्केट होगा, 4-5 शॉप्स हैं। बच्चों बच्चों के लिए अच्छा है, हमारे लिए तो कुछ खास दिखा नहीं तो अच्छा है, 4-5 दुकानें हैं। उसके बाद हम लोगों ने लिफ्ट से नीचे जाने का प्लान किया, और लिफ्ट मीन्स ट्रॉली। सो इस मार्केट को क्रॉस करने के बाद हम ट्रॉली से नीचे जाएंगे। कुछ कुछ शॉप अच्छी थी, देखो जैसे ये वुडन शॉप मुझे बहुत पसंद आई थी, बट हम लोगों ने ऐसी शॉप बहुत देख ली हैं क्योंकि घूमते रहते हैं तो कुछ पसंद खास आया नहीं तो कुछ ख़रीदा नहीं। सिर्फ बच्चे के लिए थोड़े टॉयज वगैरह लिए हैं। सो हम लिफ्ट में बैठ गए हैं और आरुष को ट्रॉली में डर भी नहीं लग रहा है, एज आई सेड पहाड़ी बच्चा। सो उसको ट्रॉली में फर्स्ट टाइम बैठा फिर भी उसे कोई डर नहीं लगा, ही वॉज इन्जॉइंग, सो दैट वॉज गुड। हार्डली 1 मिनट का था। आरुष बेचारे को रास्ते में उल्टी हो गई थी और आप ये भुट्टा खा रहा है। ओके हम इस गली से जाएंगे, चलो चलो। सो हम पहुंच चुके हैं कैंपटी फॉल। ये है कैंपटी फॉल का झरना जो कि बहुत फेमस है, पूरे इंडिया से लोग इस फॉल को देखने के लिए आते हैं। पानी बहुत ही बर्फीला था, इतना बर्फीला इट वाज लाइक कि तुम बर्फ़ के पानी में डूबे हुए हो। और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था पूरा दिल्ली, पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, यूपी नॉट पंजाब, सब लोग यहीं पर थे। एंड दे वर शाउटिंग लाइक एनी थिंग एंड उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं कहाँ आ चुके हैं। और फिर हम लोगों ने सोचा चलो ठंडा है पानी, इतना दूर आए हैं तो खुद भी डुबकी मारी जाए। तो हम लोगों ने मेन वाटरफॉल में नहीं गए, हम उसे नीचे वाले में गए जहाँ कम रश था, क्योंकि वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, वहाँ हम जाने का सोच भी नहीं सकते थे। मेरे बच्चे और मुझे बहुत ठंडा लग रहा था तो हमने मुश्किल से उसको हार्डली 1 मिनट के लिए ले गए, फिर उसको हटा दिया। और आप मुझे देख सकते हैं मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ, तो मुझे डर नहीं लगता। तो मैं बिल्कुल फॉल के जहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर प्रेशर था वहाँ चली गई थी अकेले, और मेरे हस्बैंड बच्चे के साथ बैठे थे इसलिए हम दोनों साथ में नहीं जा पाए। तो मैंने कहा चलो टर्न बाय टर्न चलते हैं, पहले मैं गई देन माय हस्बैंड। बच्चे को ठंडा लग रहा था इसलिए हम उसको नहीं ले गए, क्योंकि पानी बहुत ही ठंडा था, लिटरली मतलब इट्स लाइक फ्रिज से निकाला और यहाँ फॉल में डाल दिया। और यहाँ अर्जुन भी कूद चुके हैं झरने में, उनको बहुत ठंडा लग रहा था बट मैंने कहा तुम जाओ एक्सपीरियंस करो, बहुत मज़ा आ रहा है। पानी जब सर पे पड़ रहा है और इतना ठंडा लग रहा है ना तो अलग ही रिफ्रेशमेंट लेवल है।
तब वो गए, एक एक राउंड मार के हम लोग वापस आ गए। फिर अभी पानी कैसा था बेटा? बहुत ठंडा था। सो कैंपटी फॉल में काफ़ी इंजॉय करने के बाद अब हम निकल चुके हैं अपने घर की तरफ, बिकॉज हमें टाइम पे नीचे भी पहुंचना है देहरादून में। और हम अराउंड 4:30 बजे वहाँ से निकले हैं, 4:30 बजे निकले हैं। और रास्ता देख सकते हैं आप कितना प्यारा था। वहाँ तो टेम्परेचर बहुत कम था, ये लिटरली वहाँ जो लोकल्स थे उन्होंने स्वेटर पहना हुआ था। और ये जून का महीना चल रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हिल स्टेशन में किस तरह लोग आते हैं, ताकि यू नो ठंडा पानी, ठंडी हवाएं और इतना ठंडा मौसम, वो भी जून के महीने में। सो दे आर वेरी लकी जो यहाँ रह रहे हैं। तो हम लोग अराउंड सनसेट हो गया है और हम लोग देहरादून पहुँच चुके हैं। शिव मंदिर है देहरादून का, बहुत ही फेमस मंदिर है। और हम लोग नीचे उतर चुके हैं, लगभग 7 बज चुके थे, तो हम अराउंड अपने घर 8:30 बजे पहुँचे हैं। तो आज का व्लॉग फिर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक किए करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और मैं बहुत सॉरी बोलना चाहती हूँ कि वीकेंड में हम व्लॉग नहीं रिलीज़ कर पाए, बिकॉज़ बहुत लेट हो गई थी। और आज मंडे को हम अपना व्लॉग डाल रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।